अगर आप लोग रैंडी ऑटम के फैन हो तो बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गाइज आज यहां पर WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर रैंडी ऑटम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है। ड्रू मैकइंटायर के WWE में कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। WWE के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गंथर के द्वारा US चैंपियन लोगन पॉल को चैलेंज कर दिया गया है। WWE के मंडे नाइट रॉ के प्रोडक्शन को लेकर WWE काफी बड़ा चेंज करने वाली है। WWE के जर्मनी में पेपरव्यू को अनाउंस करने के बाद जर्मनी में स्मैकडाउन भी अनाउंस हो चुका है। तो गाइज वहीं कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर सर्वाइवर सीरीज के गो होम पर हमें क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे WWE के जर्मनी में डेब्यू की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE कंपनी यहां पर जर्मनी में उनका 31 अगस्त को डेब्यू करने वाली है, जहां पर पहली बार 31 अगस्त 2024 को WWE कंपनी जर्मनी में उनका बासिना बर्लिन पेपरव्यू करेगी। बट गाइज WWE के यही इस पेपरव्यू के टिकट सेल को लेकर जर्मनी में हैवी डिमांड होने के बाद अब WWE कंपनी ने यह डिसाइड कर लिया है कि वो यहां पर जर्मनी में सिर्फ उनका पेपरव्यू ना करके बल्कि इस पेपरव्यू का गो होम एडिशन स्मैकडाउन भी करने वाले गए। और गाइज बेसिकली सैटरडे नाइट के ऊपर 31 तारीख को WWE के जर्मनी में बर्लिन में पेपरव्यू होने से पहले 30 तारीख को WWE कंपनी जो गो होम स्मैकडाउन करेगी वो स्मैकडाउन भी अब WWE जर्मनी में करने वाली गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के जर्मनी में बासिना बर्लिन पेपरव्यू के लगभग सोल्ड आउट होने के बाद WWE का स्मैकडाउन जर्मनी में सोल्ड आउट होता है या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही बासिना बर्लिन की, तो गाइज यहीं अब WWE के इस पेपरव्यू को लेकर ड्रू मैकइंटायर को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइज ये बात तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि ड्रू मैकइंटायर के WWE का कॉन्ट्रैक्ट यहां पर अप्रैल महीने से पहले ओवर होने वाला है। और अगर यहां पर WWE कंपनी मैकइंटायर को लंबा कॉन्ट्रैक्ट देके WWE के अंदर साइन नहीं करती गए तो गाइज टोनी खान यहां पर ड्रू मैकइंटायर को AEW में ला सकते गए। वेल गाइज यहीं WWE के अंदर ड्रू मैकइंटायर के कॉन्ट्रैक्ट के इन सभी रूमर्स के बाद अब WWE के जर्मनी में बासिना बर्लिन पेपरव्यू के ऊपर WWE ने उनका एक पोस्टर लॉन्च किया है, जहां पर बेसिकली इस पोस्टर के ऊपर हमें यहां पर कोडी रोड्स, सेट रॉलिंस, रिया रिपली, बियंका ब्लेयर एंड गंथर और गाइज यहां पर इन सभी के साथ साथ इस पोस्टर के ऊपर ड्रू मैकइंटायर देखने को मिल रहे गए। और गाइज क्योंकि ये वाला पेपरव्यू WWE कंपनी अगले साल अगस्त में करने वाली गए, तो गाइज यहां पर अब ये बहुत ही कंफ्यूजिंग बात है कि WWE ऑलरेडी इस पेपरव्यू के ऊपर ड्रू मैकइंटायर को कैसे एडवर्टाइज कर रही गए, क्योंकि गाइज रिपोर्ट्स का ये मानना है कि मैकइंटायर का कॉन्ट्रैक्ट यहां पर अप्रैल से पहले ओवर होगा। वेल गाइज यहां पर अब इस पोस्टर पर ड्रू मैकइंटायर के शामिल होने के बाद इस चीज को लेकर तगड़ी स्पेकुलेशन चल रही है कि पॉसिबली WWE कंपनी ने ऑलरेडी ड्रू मैकइंटायर को साइन कर लिया है। क्योंकि गाइज अगर WWE ने मैकइंटायर को साइन नहीं किया होता तो गाइज WWE कंपनी गलती से भी अगस्त वाले पेपरव्यू के ऊपर ड्रू मैकइंटायर को एडवर्टाइज नहीं करती। वेल गाइज मुझे भी इसके तगड़े चांसेस लगते गए कि WWE ने मैकइंटायर को लंबे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन कर लिया है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के ग्रेटेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गंथर की। वेल गाइज इस हफ्ते गंथर के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर गंथर ने WWE पर उनके फ्यूचर ड्रीम मैचेस को लेकर बात की, जहां पर गंथर का यह कहना था कि वैसे तो WWE के अंदर गंथर किसी को भी फेस करने से बिल्कुल भी नहीं डरते गए। बट गाइज डेफिनेटली WWE के अंदर एक ऐसा रेसलर है जिसे यहां पर गंथर फेस करना चाहते गए और ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि WWE के ब्रांड न्यू US चैंपियन लोगन पॉल है। और गाइज यहां पर गंथर का यह कहना है कि लोगन पॉल के US चैंपियन बनने के बाद गंथर यहां पर डेफिनेटली अपने आप को लोगन पॉल के साथ टेस्ट करना चाहेंगे और वो यहां पर लोगन पॉल के साथ चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच लड़ने को लेकर भी पूरी तरह से ओपन है। और गाइज गंथर इस चीज को लेकर 100% श्योर है कि बहुत ही जल्द WWE के अंदर वो यहां पर लोगन पॉल के आमने सामने होने वाले गए। वाल आप लोग गंथर और लोगन पॉल का ड्रीम मैच देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के मंडे नाइट रॉ के प्रोडक्शन चेंज की। वाल गाइज और बात करें यहां पर WWE के मंडे नाइट रॉ को लेकर, तो गाइज इस हफ्ते फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर पिछले कुछ सालों से WWE जो ओपनिंग थीम यूज कर रही है वो थीम यहां पर चेंज होने वाला है। और गाइज इस हफ्ते WWE के मंडे नाइट रॉ को लेकर WWE ऑफिशियली प्रोडक्शन चेंज करने वाली है, जहां पर इस चेंज के अंदर WWE के मंडे नाइट रॉ के थीम सॉन्ग को चेंज किया जाएगा। और गाइज हो सकता है कल ही यहां पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर आप लोगों को WWE रॉ का ब्रांड न्यू थीम सॉन्ग सुनने को मिले। वेल गाइज अब ये तो कल रॉ को देखकर ही पता चलेगा कि WWE के प्रोडक्शन और थीम सॉन्ग में क्या चेंज होता है। बट गाइज जहां तक बात रही कल के मंडे नाइट रॉ की, तो गाइज क्योंकि कल का WWE का मंडे नाइट रॉ शो सर्वाइवर सीरीज का गो होम एडिशन शो होने वाला है, तो गाइज इसीलिए कल यहां पर WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर WWE के अंदर रैंडी ऑटम को लेकर बहुत बड़ी
अपडेट आने वाली है, क्योंकि गाइज ये तो मैं आप लोग को ऑलरेडी कंफर्म कर चुका हूँ कि WWE कंपनी इस साल सर्वाइवर सीरीज के ऊपर टीम कोडी वर्सेस जजमेंट डे का मैच करने वाली है, जहां पर वॉर गेम में इस मैच के अंदर कल यहां पर कोडी रोड्स पॉसिबली उनके मिस्ट्री पार्टनर को रिवील करेंगे। और गाइज कोडी ने भी ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर WWE के वॉर गेम में उनके फिफ्थ मेंबर को लेकर ट्वीट किया है। और गाइज आप लोग ये कंफर्म मानकर चल सकते हो कि कल यहां पर WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर कोडी रोड्स यहां पर वॉर गेम में उनके फिफ्थ मेंबर को लेकर बात करेंगे। और गाइज इस चीज के 95% चांसेस है कि कोडी यहां पर जिस रेसलर का नाम रिवील करेंगे वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि रैंडी ऑटम होने वाले गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल यहां पर WWE कंपनी ऑफिशियली अनाउंस करती है या नहीं। और गाइज अगर यहां पर WWE ऑटम का रिटर्न अनाउंस करती गए तो गाइज रैंडी ऑटम यहां पर डायरेक्टली पेबल है या रैंडी ऑटम कल रॉ के ऊपर ही उनका रिटर्न करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही कल के मंडे नाइट रॉ की, तो गाइज यही रैंडी ऑटम के रिटर्न स्पेकुलेशन के साथ साथ कल यहां पर WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहां पर ड्रू मैकइंटायर देखने को मिलेंगे, जो बेसिकली WWE के वॉर गेम को लेकर बात करने वाले गए। बट गाइज इसी के साथ कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें द मैन बेकी लिंच एक्शन में देखने को मिलेंगे, जो मंडे नाइट रॉ पर जिया ली को फेस करेंगी। और गाइज इसके साथ साथ कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर शिंस्के नाकामुरा एक्शन में होने वाले गए, जो कल रॉ पर चैड गेबल को फेस करेंगे। तो वहीं WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहां पर नया जैक्स एक्शन में देखने को मिलेंगी, जो यहां पर रकुल को फेस करने वाली गए। और गाइज इसके बाद WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहां पर वॉर गेम का एडवांटेज मैच देखने को मिलेगा, जहां पर कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहां पर कोडी रोड्स सेट रॉलिंस और सैमी जेन वर्सेस फिन बैलर डेमियन प्रिस्ट डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में सिक्स मैन टैग मैच देखने को मिलेगा। वेल गाइज आप WWE के सर्वाइवर सीरीज के गो होम एडिशन रॉ के लिए एक्साइटेड हो या नहीं आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। और गाइज देखना यह भी बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल यहां पर सर्वाइवर सीरीज के गो होम एडिशन मंडे नाइट रॉ के ऊपर CM Punk को लेकर कोई टीज होता है या नहीं। वेल गाइज अभी तो कल रॉ को देखकर ही पता चलेगा कि कल यहां पर रॉ पर रैंडी ऑटम और CM Punk को लेकर क्या अपडेट आती है। बट गाइज फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।